बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम खुवातिन व हज़रात। इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन में मौजूद हैं और हमारे दरमियान असातिज़ा मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं और पैनलिस्ट मौजूद हैं। 15 साल कम्प्लीट हुए हैं HEC के और हायर एजुकेशन कमीशन के बारे से हमने पहले भी बात की। हमारे साथ अभी जो सेकेंड जो ग्रुप है उसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार साहब, क्योंकि HEC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पहले से मौजूद हैं हमारे साथ। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से। थैंक यू वेरी मच आपका सर। प्रोफेसर डॉक्टर अजहर साहब हैं, DG हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और डॉक्टर शोएब साहब हैं, HOD हैं मीडिया डिपार्टमेंट के फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपने पहले भी मैंने बताया कि ये स्टूडेंट्स बेसिकली प्रोग्राम हम चाह रहे थे कि 15 साल मुकम्मल हुए हैं। एजुकेशनिस्ट जो हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या समझते हैं कि 15 सालों में HEC ने क्या खोया और क्या पाया, और क्या हमारे जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट जो फारग होते हैं तो क्या वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो कितना अब डिफरेंस देखते हैं। इससे पहले HEC भी नहीं भी थी, 15 साल पूरे हुए हैं। कुछ पैनलिस्ट में बात भी की कि 15 साल कुछ भी नहीं होता, बड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन अब क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होते हुए नज़र आती हैं। डायग्नोसिस हो, मतलब मसाइल जितने भी हैं हमारे डायग्नोस हो चुके हैं, अब सॉल्यूशंस की तरफ हम जा रहे हैं। तो पहले तो मैं ये चाहूँगा डॉक्टर इश्तियाक साहब कि आप एक एक मिनट, अगर पैनलिस्ट जो हमें ज्वाइन किया जिन्होंने, कि HEC के जो 15 साल हैं आप उसको किस तरह देखते हैं। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है इस हॉल में बच्चों को देख के कि काफ़ी तादाद में हमारे बच्चे बच्चियाँ चाइना से भी यहाँ पर हैं इस वक्त। मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान की जो करंट रियलिटी है या उसका ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, और आइंदा इस रियलिटी में आप देखेंगे कि बहुत खुशकुन तब्दीलियाँ आएंगी और हम सब के लिए वो बच्चा है, अच्छा है, इस खित्ते के लिए भी अच्छा है। जहाँ तक हायर एजुकेशन कमीशन की 15 साल तकरीबात का ताल्लुक है, मेरे ख़्याल में हायर एजुकेशन कमीशन ने पिछले 15 साल में बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी एंड क्वालिटी बहुत सारे एरियाज़ हैं यूनिवर्सिटी के, जिसमें फैकल्टी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, प्रोग्राम्स की हार्मोनाइजेशन है, रिसर्च की अपग्रेडेशन है, तो इन तमाम एरियाज़ में काफ़ी हेल्प की है। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी को भी 2 फेजेस के अंदर, एक दूसरी अब शुरू होने वाली है, और उससे होता ये है कि जब यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंड करती हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, जहाँ पर यूनिवर्सिटी लोकेट होती है ना सिर्फ वहाँ पर स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर्स का या स्टाफ का फ़ायदा होता है बल्कि शहर का भी फ़ायदा होता है। सही। तो अगर आप सरगोधा के लोगों से पूछें, बच्चे से भी पूछ लें, तो आपको ये पता चलेगा कि 1929 से 2002 तक पहले डी मॉन्टमोरेंसी कॉलेज था, फिर गवर्नमेंट कॉलेज था, सिटी रिमेन द सेम। राइट। 2002 से अब तक एक स्काई इज़ द लिमिट, जिसमें अर्बनाइजेशन ना हुई हो उस शहर के अंदर, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी ना हुई हो और उसकी वजह से मिडिल क्लास ना क्रिएट हुई हो। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी की जो फ्यूचर में या उसकी ग्रोथ के अंदर जो हायर एजुकेशन कमीशन की कंट्रीब्यूशन है, ये उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। दूसरी बात ये कि मैंने ये पहले भी अपना पब्लिकली भी आर्टिकुलेट किया, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी एम्फेसाइज किया है कि अगर हम UGC के काफ़ी दिहाइयाँ देखें और HEC के पिछले 15 साल देखें, मैं एम्फेसाइज करूँगा पिछले 4 साल को, जिसमें डॉक्टर साहब ने उनकी टीम ने इंतहाई इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन को प्रिजाइड ओवर किया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। अब जब क्वांटिटी की बात हो, वो करंट होते हैं और बड़े उसका एक नैरो उसका स्कोप होता है। जब आप क्वालिटी का एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो विजनरी लीडरशिप की अपना एक तो टेंडेंसी शो करता है, और उसमें जाहिर है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब उसमें मेरे ख्याल में पिछले 4 साल में हायर एजुकेशन की 0 टॉलरेंस रही है कि वो तमाम प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स या एकेडमिक प्रोग्राम्स या रिसर्च का क्राइटेरिया है जिसमें क्वालिटी वाज नॉट बीइंग फॉलोड, उनको उन्होंने बिल्कुल टाइटन किया है। मैंने अपने पिछले 8 महीने से ज़्यादा का जो अरसा गुजरा है उसके अंदर इनके जो प्रायोरिटीज़ हैं या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैंने लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करने की कोशिश की है, उससे बिल्कुल खातर ख्वाह तब्दीली आई है। और मेरे ख्याल में पूरे टेन्योर में मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वो तमाम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूशन मुझे कह रहा है, अगर मैं उसको फॉलो करूं, ऑटोमेटिकली मेरी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक प्रोफाइल इंक्रीज होगी और ये क्रेडिट हमारी फैकल्टी को जाएगा, स्टाफ को जाएगा, स्टूडेंट्स को जाएगा खास तौर पर, और ख़ास तौर पर
ہائر ایجوکیشن ایز اے فیڈرل انسٹیٹیوشن. تھینک یو، تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر اظہر حسین صاحب، آپ بتائیے گا جی 15 سالوں میں جو ایک جو کچھ ایچ ای سی نے کیا، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اس اہم مقام پہ جہاں پہ ایچ ای سی اپنی 15 سالہ اچیومنٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہے، ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم بھی اس کے اندر اپنے ویو کو شیئر کر سکیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو براڈلی دیکھیں، تین پہراہوں میں اس کو اگر میں اس کو دیکھتا ہوں، نمبر ون، اسٹرکچرز امپروو ہوئے ہیں ہمارے ایجوکیشن کے. اگر آپ دیکھیں گے کہ نمبر آف یونیورسٹیز جو امپروو ہوئی ہیں، ان کے نمبرس، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ امپروو ہوا ہے. نمبر ٹو، دا پروسیس آف ٹیچنگ، پروسیس آف ٹیچنگ امپروو ہوا ہے. اور اس کے اندر ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس عرصے کے اندر لوگ بائی چوائس ہائر ایجوکیشن کے اندر ایز اے ٹیچر انہوں نے اپنے آپ کو انٹر کیا ہے. تھرڈلی، جو آؤٹ کم ہے ہماری ایجوکیشن کا وہ بہت بہتر ہوا ہے. جو پورٹیبلٹی ہے ہماری ایجوکیشن کی، اب ہمارے جو گریجویٹس ہیں اپنے آپ کو گلوبلی پلیس کرتے ہیں، انٹرنیشنلی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس وقت ہم نے اپنے آپ کو ان تین پہراہوں میں میرا خیال ہے کہ بہت بہتر طریقے سے امپروو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ جب بھی آپ کو مدعو کیا آپ آئے تو کیا آج کھل کے بولنے کا موقع ہے؟ ویسے آپ بول سکتے ہیں. جی جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نوید صاحب، آپ کو اور رائل نیوز کو، میں تو یہاں پر بینگ اے ریپرزینٹیو آف میڈیا سائنسز، میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پاکستان کا وہ میڈیا جس کے پاس اس وقت نان ڈیولپمنٹل ایشوز کے اوپر وقت بہت زیادہ وقت ہے، لیکن اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو ان نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، ان کے برائٹ فیسز کے لیے نہیں ہے، ان کے برائٹ مستقبل کے لیے نہیں ہے. آج اگر معاشرے کے اندر کوئی ایک راہ چلتا ہوا کوئی ایک مس ایپ ہو جاتا ہے، یا کوئی دو چار ایسے لوگ کہ جو لوگ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں یا ڈسٹریکٹ لوگوں کے ہاتھوں میں لگ گئے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تو ہمارے میڈیا کے پاس بہت وقت ہے. لیکن یہ بچے جن لوگوں نے آج اچیومنٹس کی ہوئی ہیں، جو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان جیسے جیسے ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم فرمایا تھا کہ 1.3 ملین لوگ ہمارے بچے اس وقت پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ اچیومنٹ کر رہے ہیں، ہمارے اس میڈیا کے پاس اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان بچوں کے لیے. تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آج رائل نیوز کے پلیٹ فارم سے آج یہ موقع دیا. اور پھر سب سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر مختار صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. 15 سال، دیکھیے ٹیکنیکل باتیں تو وی سی صاحب نے بھی کر دی، ڈی جی صاحب نے بھی. میں تو ایک بڑی سادہ سی بات، سمپل سی بات یہ کہوں گا کہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں، اور شاید میرے جو دوست میرے کنٹمپرری پروفیسرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید اس بات سے ایگری کریں کہ آج کے اس معاشرے کے اندر استاد کو، اور خاص طور پہ یونیورسٹی پروفیسر کو، اس معاشرے کے باقی پروفیشنز کے ایٹ پار لانے میں، اور ایک استاد کی حالت دیکھیے، یاد رکھیں، اگر آپ اصحاب صفا کو دیکھیں، میں وقت شاید زیادہ ہو جائے گا، لیکن اصحاب صفا کو دیکھیں تو اسٹیٹ نے ان کی رسپانسبلٹی لی تھی کہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوگا، ان لوگوں کا ذمہ دار ہوگا جو تعلیم دیں گے. تو آج ایچ ای سی کی وجہ سے آج استاد کا، یونیورسٹی پروفیسر کا وہ مقام بنا ہے کہ آج وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے. اور انشاءاللہ جب یہ پروسیس چلتا رہے گا اور ایچ ای سی اسی طرح سے اپنے اساتذہ کو پیٹرنائز کرے گا، تو انشاءاللہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم ان لوگوں کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے جو اس ملک کو پھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس کو جوڑ کر چھوڑیں گے انشاءاللہ. بالکل جی ڈاکٹر صاحب، ناظرین شاید یہ اساتذہ ہیں اور یہ جو بات کرتے ہیں وہ ہر بندہ سننے کے لیے تیار ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، لیکن آج کیونکہ پروگرام جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا گیا ہے، ایجوکیشنسٹ کے لیے رکھا گیا، اور ہمارے پینلسٹ موجود ہیں، وہ اس کو ان کے جو سوالات ہیں ان کو آنسر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. ابھی ہم جائیں گے جو ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں یہاں پہ، ان کو انہوں نے کس طریقے سے دیکھا کہ ایچ ای سی جو ہے وہ 15 سال مکمل کیے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سی انیشیٹیوس لیے گئے ہیں، ہم ریسرچ کی بات کریں، ہم یونیورسٹیز میں بات کریں، لیپ ٹاپ اسکیمس اور بہت سی اسکیمیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انٹروڈیوس کروائے گی، لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی نظر میں کیا ہے کہ جو ہماری کریکولم ہے، نیشنل لینگویج ہے، اور سب سے بڑھ کر جب اسٹوڈنٹ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو کیا جو ہمارا کریکولم ہے وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے پریکٹیکل لائف میں؟ اس پہ ہم ذرا سوالات لیتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، I'm Alpha. I'm from China. Now I'm studying in Namol and I'm learning Urdu. Me, I and with my another
18 students. We have good time here. We have good teachers and good classmates. And we also made many backstanding friends here. So we really appreciate the HEC give us this good opportunity to study here. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And we come here for about 1 week, and but we have not much communication with the local students. So I want to ask for like advice, like could the school give us more opportunity, like more activity, like singing, like cultural communication, so we can have a more interaction with the local students, and we can show their our culture, and they can show us the Pakistani culture. Thank you very much. I think this is very important comment you have made. This was the missing piece in last so many years, because when we shifted from annual system to semester system, the kind of structure created in the university system was just education, and no co-curricular activity. Now we are going back, and we are requesting to our university that we have already agreed during previous couple of vice chancellor forums that we are going to have the balance in our university life. Of course, we have to focus on academics, we have to focus on research, we have to focus on excellence in learning and creation of knowledge, but same time, the co-curricular activity like these cultural shows, the sports, the bring and doing the debating thing, and also kind of facilitating them to work like a team. This is going to be the regular feature of the universities, and I hope Namal is going to start very soon these type of activity, and people like you from China and other countries, they will also be enjoying here. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Sayyida Fatma, and I'm doing BS Mass Communication from Namal University. First of all, I'd like to pay heartiest gratitude to you guys for your 15 years of excellence, and I pray more and more success to come. Sir, being a media student, I want you guys to give us a platform so that we can polish our skills. Like, I'm in third semester now, and I'm finding it really difficult to find any internship or any job in any renowned television. So I really I'd appreciate this, that if you guys give us a platform so that we can conduct our own TV shows at the student level, or we can do reporting or the anchoring, and I like to thank you very much. That completely depends upon the kind of environment which your university is providing you. At our setup, what I did is I've tried to integrate my department with the rest of the channels and all other, you can say, forums. So in that way, it's been the responsibility of university to provide these opportunities. So I don't know how your university is managing, but at our place, we are very much comfortable with the different channels, and they are keep on accommodating our students, and they are giving us a space. Even our students are not only doing internships, but they are regularly appearing on different media channels. They are regularly doing their shows at different FM channels. So it's been completely from the university side. So इस बच्ची ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया है जी तो हमने कुछ यूनिवर्सिटी से बेटा इस वक्त बहुत सी यूनिवर्सिटी ने अपने रेडियो स्टेशन रेडियो चैनल्स एफएम रेडियो चैनल बना लिए टीवी चैनल्स भी हैं उनके पास जी खुद भी इस वक्त वेब बेस्ड टीवी चैनल एक चला रहा है और एक रेगुलर चैनल के लिए रिक्वेस्ट हमने इनिशिएट की हुई है तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है और मैं अपनी डायरेक्टर मीडिया साहिबा भी बैठी हुई हैं कि हमारे नज़दीक जो यूनिवर्सिटी है हम इनके स्टूडेंट को लेके यहाँ पे अपने वो जो वेब बेस्ड टीवी चैनल है वहाँ भी अपॉर्चुनिटी देते हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जिस तरह फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शेब साहब हैं इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं क्रॉस द बोर्ड एक दूसरे स्टूडेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के बच्चों को ला के इस तरह की एक मॉक्स जो है ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए और ये बहुत अच्छा आइडिया है थैंक यू नवी साहब इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ एक जितने भी चैनल्स हैं यहाँ पर एफएम चैनल्स यूनिवर्सिटीज़ के पास उन्होंने ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन होगी और मैं चाहूँगा कि इसमें ज़रूरी नहीं कि मीडिया साइंसेज के स्टूडेंट हो बाकी डिपार्टमेंट्स के भी बच्चे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये तो टैलेंट है मीडिया इज़ अ टैलेंट गेम तो इसमें कोई भी आ सकता है तो उसमें एक एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट फोरम ये एक EBF के नाम से एक फोरम बना हुआ है हमारा जिसमें तमाम जितने भी इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास FM चैनल हैं वो इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोग्राम्स को तो आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में चेक कर सकते हैं अगर आपके यहाँ एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट फोरम का ग्रुप काम कर रहे हैं और यकीनन काम कर रहे हैं
तो वहाँ से आप अपना ब्रॉडकास्ट में तो आप फौरन आ सकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर EBF के तर्ज पर अगर इसी तरह से जिन लोगों के पास TV चैनल्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो है, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास है, तो हम ऐसे ज्वाइंट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं कि जिसमें आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी आएँ, हमारे बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में जाएँ और अल्टीमेटली हम प्रोग्राम HEC के लिए बनाएँ। थैंक यू मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ किंजा मुमताज अब्बासी, आई एम फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। माय क्वेश्चन फ्रॉम सर Mukhtar is that what mechanism did HEC has developed since its inception for the verification of degrees which are issued by different universities which are working under the direct supervision of HEC? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारी universities तो students को degrees वगैरह issue कर देती हैं, बहुत हमारे qualified students होते हैं, लेकिन आगे जब वो job field में जाते हैं तो उनको employment के लिए बहुत issues face करने पड़ते हैं, तो उसके लिए HEC क्या role play कर रहा है? जैसे जॉब के लिए जब वो जाते हैं तो मतलब उनको कहा जाता है कि हमें जो है जैसे ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं तो उनको कहा जाता है कि हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए जिन्होंने 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो उनके पास। जो स्टूडेंट अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकला है उसके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? पहले सवाल का जवाब बेटा, वो जो डिग्री वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन का प्रोसेस है अभी तक तो मैनुअल था, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद महीनों की कोशिश हमने बड़े अफसे से लगे हुए थे कि चीज़ें ऑनलाइन आ जाएं, तामे जो उसमें कबातें भी थी, कुछ थोड़े से प्रॉब्लम भी थे, वो भी ओवरकम हो जाएं। हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम इवॉल्व कर लिया जिसमें नादरा के साथ भी लिंक हो गए और सब यूनिवर्सिटियों के साथ भी लिंक है। अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है, आप अपने घर से अपना क्रेडेंशियल जो है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, पहले अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसमें अपलोड करें, आपको HEC खुद इन्फॉर्म कर देगी कि आपके अब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, आप आके अटेस्ट करवा के ले जाएं। तो एक सिस्टम ऑनलाइन इवॉल्व हो गया है। उसके अलावा आपको दूर, हमने अपने रीजनल ऑफिसेज भी हैं हमारे लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, तो उस जगह भी ये फैसिलिटेशन आपके लिए है। उसके अलावा आप की बाई डाक भी भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट और हम उसको भी कर सकते हैं, तो अब ये चीज़ें कन्वीनियंस हो गई हैं। दूसरी जो बात है, देखें नेचुरली जब इसमें दिस इज़ फूड फॉर थाट फॉर अवर यूनिवर्सिटीज़ आल्सो, हमारे वाइस चांसलर साहबान बैठे हैं, प्रोफेसर साहबान भी बैठे हैं, कि हमें अपने स्टूडेंट को जब एजुकेशन दे रहे हैं तो उसके साथ उनकी ट्रेनिंग भी करें, उनका स्किल सेट उस लेवल पे लाएं ताकि इंडस्ट्री उनको एकदम ले भी सके। हमें जो गैप नज़र आता है वो बड़ा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, और इसीलिए इंडस्ट्री या जो बाकी लोग हायरिंग करते हैं वो कहते हैं हमें एक्सपीरियंस लोग दें, क्योंकि राह जब आते हैं उनको पहले फिर पढ़ाना होता है। तो हम यूनिवर्सिटी से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप इन बच्चों के लिए, एक तो हमने ये इंटर्नशिप वाला सिस्टम भी इवॉल्व किया है जिसमें बिजनेस स्कूल में बाकी सब्जेक्ट में भी इंटर्नशिप का है ताकि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकें, और फिर यूनिवर्सिटी भी उनको एक तरह का एक्सपोजर दे ड्यूरिंग स्टडीज़ के, उनको मुख्तलिफ अपने अपने फील्ड के अंदर उनकी थोड़ी मोटी इंटर्नशिप करा सके ताकि उनको प्रैक्टिकल समझ आ जाए काम का, बजाय इसके कि इंडस्ट्रीज़ को और आपके जो हायर करने वाले हैं वो आपको ट्रेनिंग दें, जिएगा आप ट्रेनिंग देंगे फिर आप काम कर सकेंगे। तो उसी लिए वो, और फिर उनका राइट भी है कि वो एक बेस्ट से बेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए कि जिसने भी आप पढ़ लिया उसने काम तो करना है और कुछ साल उसने गुजारने हैं, उसके बाद वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं और फिर वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आपस में दोनों को मिलकर समझना होगा। उसमें HEC ये कर सकता है कि यूनिवर्सिटीज को फिर एक रिमाइंडर दे कि जी आप अपने बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस तरह की दें कि वो आज जाते साथ ही जब उनको कोई सीट मिलती है, पोजीशन मिलती है, तो वो डिलीवर करना शुरू कर दें, बजाय कि वो उस ऑफर से एक्सपेक्ट करें कि हमें आप बताएं हमने करना क्या। ठीक, दिस इज़ द गैप वी हैव टू फिल। जी भैया, माई क्वेश्चन एक्चुअली आई वुड रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट एफर्ट ऑफ लाइक HEC फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। But being a student, I'm highly concerned that is HEC providing any kind of linkage between student and HEC? I mean, HEC is all about student. It's all about for student, right? Jitni bhi iski policies and everything, it's for students. So why not HEC is providing any linkage for student and for students? Beta, aap aaj idhar ho na? तो ये लिंक है ना? Yeah, this is the linkage, but it should be open for students for decision making process. We are all open, और हमारे door open door policy है, पूछ लीजिए जो बच्चे आते हैं कभी अपने concern के लिए, we are all there for you. हम ऑनलाइन भी आपसे कमेंट्स लेते हैं। उसके अलावा देखें, जो हमने को करिकुलर एक्टिविटी शुरू की है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर HEC बिग वे में सपोर्ट कर रहा है, सारी आपके स्पोर्ट जो इतनी होती है गेम्स हैं इसके लिए इंडोर फैसिलिटीज़ बना के दी स्टूडेंट के लिए, बनवा के देगी दी गई। आपके जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन होती है उसमें हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
हम इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को भेजते हैं जो अच्छी हमारे खिलाड़ी बच्चियां बच्चे होते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एशिया में जो मार्शल आर्ट में हमारे बच्चियों ने और बच्चों ने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लिए हैं, तो माशाल्लाह हमारे बच्चों में बड़ी पोटेंशियल है। इसी तरह हम जो नोबल लॉरियट के साथ उनके एक्सपोजर के लिए कम्पिटेटिव बेस पे बच्चे सेलेक्ट करके उनको भेजते हैं, पिछले कई सालों से भेज रहे हैं। तो मुख्तलिफ इनडायरेक्टली हमारी इंट्रैक्शन है, कोई फॉर्मल सेटअप बनाना चाहें क्योंकि इतने स्टूडेंट हैं माशाल्लाह 3 मिलियन के करीब, जो हम पूरे सारे का अगर काउंट करें तो 30 लाख स्टूडेंट के साथ फिर तो हम गए अगर उस तरह। लेकिन यह कि नेचुरली आपके डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर, आपकी वाइस चांसलर साहिबान, आपके रजिस्ट्रार ऑफिस, आपके डीन, ये डॉक्टर साहिबा बैठी हुई हैं, डीन ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी की पूछें, इनकी हमारे साथ बड़ी अच्छी इंट्रैक्शन होती है। हम इनको हर एक दूसरी यूनिवर्सिटियों की मीटिंग में भेजते हैं ताकि एक दूसरे से भी लर्निंग होती है, और उसके अलावा भी आपकी कोई सजेशन हो तो दीजिए, हम जरूर विल बी मोर देन हैप्पी टू। सर, सजेशन इज एक्चुअली लाइक दिस कि अगर एक हमें ओपन प्लेटफॉर्म मिले कि हम अपना इनपुट दे सकें तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा इनपुट जब आएगा तो यू विल गेट टू नो कि हम क्या चाह रहे हैं। और आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप लोग फैकल्टी के लिए बहुत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं बट स्टूडेंट के पार्ट पे कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली आपको पढ़ाया जा रहा है, यही एंड सेकेंडली द ओनली थिंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग इज इंटर्नशिप प्रोग्राम विच इज़ नॉट इनफ फॉर इंडस्ट्री लाइक एक्सपोजर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोगों को आप अपने डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर या डॉक्टर साहब या डॉक्टर अजरा के साथ बैठ के हमें अपनी सजेशन दें, आपके पास बड़ी अच्छी सजेशन है, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। थैंक यू सर। थैंक यू। इसमें मैं आप लोगों को बात बताता चलूं कि ये HEC की जानिब से जो एकेडमिक ऑडिट होता है ना, जो आप स्टूडेंट्स की इनपुट के लिए, ये मैं आप सबकी सजेशन, आप सब लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ, HEC डायरेक्टली स्टूडेंट का इनपुट ले रही होती है और वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड और बड़े कैलकुलेटेड फॉर्म में होता है। आप ये देखिए कि MS प्रोग्राम, BS प्रोग्राम्स के लिए जब हमारा यूनिवर्सिटीज़ का एकेडमिक ऑडिट होता है तो यूनिवर्सिटी की एक बहुत सीनियर प्रोफेसर्स की टीम जो कि HEC को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आती है, वो बच्चों से डायरेक्टली मिलते हैं। और आपको, आप में से यकीनन कुछ स्टूडेंट उनसे यकीनन मिल चुके होंगे, वो जिस वक्त स्टूडेंट से मिलते हैं तो उस वक्त वो फैकल्टी को बाहर निकाल देते हैं और फिर वो क्रॉस चेक करते हैं, बाहर भेज देते हैं, तो बाहर वो रूम से बाहर भेज के वो एंटर कर उसके साथ होते हैं और फिर वो टीचर्स को बुलाकर वो क्रॉस चेक करते हैं। फिर उस दौरान स्टूडेंट्स वहाँ हॉल में मौजूद नहीं होते, वो क्रॉस चेक करते हैं कि कहीं जो इनपुट हमें स्टूडेंट्स ने दी है उसमें और फैकल्टी में, तो यूं इनपुट का एक तरीकाकार है। लेकिन इसमें ये बात इनकी बड़ी अच्छी है कि एक ऐसा पोर्टल हो जिसके ऊपर स्टूडेंट अपने कॉमेंट्स डायरेक्ट भी चेयरमैन के लिए लिख सकें। डॉक्टर साहब, एक अच्छी सजेशन है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप नोट करें कि अभी तक जो 4 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इतने क्वालिटी क्वेश्चंस हैं कि इससे अंदाज़ा होता है कि हाउ फार वी हैव एक्सेल्ड इन आवर हायर एजुकेशन टू स्टार्ट विथ। आपका पॉइंट आई थिंक बहुत वैलिड है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड HEC, उसमें कोई ना कोई आई थिंक एक वाया मीडिया निकालना चाहिए। लेकिन हम अनाउंस करते हैं जी, पोर्टल बनाते हैं, आपको डायरेक्ट एक्सेस देंगे, जो लिखना लिखे उस पर। जबरदस्त। अब इसमें एक बात मैं करना चाहूँगा वो ये कि HEC की जो भी रिलेशनशिप है यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग में हो, फैकल्टी डेवलपमेंट में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन में हो या हार्मोनाइजेशन में हो, तमाम का मकसद यही होता है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन ऑफर की जाए। अब HEC की एक और प्रेफरेंस आ गई ऑब्वियस कि वो है स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, बिकॉज मैंने ये भी देखा है कि जो ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्वालिटी हो रही है उसके अंदर तरबियत का भी एम्फेसिस हमें मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, जो क्वेश्चन ये था कि आप ग्रेजुएट हो जाते हो, मैं फॉर्मर डायरेक्टर हूँ स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स इन IR का, अभी मैं दिसंबर में ही वहाँ से गया हूँ। कायदे यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली इंतहाई नेगलिजिबल है, ना ही कोई करियर काउंसलिंग की कोई फैसिलिटी है, ना कोई एक एक्स्ट्रा जो आपकी सोशल ट्रेनिंग है उसका कोई मैकेनिज्म है। मैंने ही वहाँ पे आके ये एनुअल डिनर किया था, फेयरवेल और वेलकम पार्टीज शुरू की थी और लोगों को इनक्रेज किया था कि वो डिबेट एंड डिस्कशन और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। हमारी यूनिवर्सिटी में एक एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे सरगोधा यूनिवर्सिटी में ट्रेडिशनली दोनों चीज़ों के लिए मौजूद थी। एक आई जस्ट वांट टू मेंशन द पॉइंट दैट यू रेज्ड। आई थिंक आई हैव बीन एट एवरी लेवल विद माय इंटरेक्शन विद पाकिस्तानी रेलेवेंट पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इन बीजिंग,
I have highlighted one point, that it is crucially important that we overcome the cultural gap between China and Pakistan right now, because this project is for the 22nd and for the 23rd century. And if we are able to overcome the language and knowledge and cultural gap through educational institutions, it will be good for China and good for us at this stage. And I think the role of universities, teachers, higher education commission is extremely important in this respect. Thank you very much. नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद, क्योंकि ये ऐसा एक तसलसल है आज, क्योंकि स्टूडेंट्स मौजूद हैं, HEC के 15 साल मुकम्मल हुए हैं, तो हम यही चाह रहे हैं और शायद HEC भी यही चाहती है कि जितने मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है वो भी आपके सामने है, और बहुत सी ऐसी शायद ऐसे बहुत से सवालात भी किए गए हैं जो शायद पहले नहीं थे. तो एक ब्रेक में वापस आते हैं और यहाँ से ये सिलसिला शुरू करते हैं.